जनता की सुरक्षा के उद्देश्य से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ही शहर में सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे हैं। शहर के शरारती तत्वों द्वारा सीसीटीवी कैमरे की सहायता देने वाली बैटरी चुराने वाली वारदातें बीते कुछ दिनों से सामने आ रही थी। हालांकि सकंदरा पुलिस ने बड़ी ही होशियारी से कार्रवाई कर सीसीटीवी कैमरे की बैटरी चुराने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है और उनसे 3,60,000 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया है। शहर की जनता की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अपराधों की रोकथाम हो और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, इस उद्देश्य से शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा पर ही कई प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों से सीओसी कैमरे की बैटरी चुराने के मामले में वृद्धि देखी जा रही थी। हालांकि इसकी रोकथाम के उद्देश्य से कार्रवाई करते हुए सकरदरा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी का रखरखाव करने वाले फिरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों की इस टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों में आरोपी नितिन रामचंद्र साहू, आरोपी मुकेश साहू, आरोपी रितेश राठौर, आरोपी राजकुमार कृष्ण प्रसाद साहू और आरोपी संतोष साहू को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करीब सुबह के 3 बजे के दरमियान एक स्पॉट देखते थे, जिसके पश्चात ऑटो वाले को बुलाकर बैटरी निकालकर वहां से फरार हो जाते थे। पुलिस आसानी से उनका लोकेशन ट्रैक ना कर पाए, इसलिए वो अलग अलग जगहों से जाकर अपने निश्चित स्थान पर पहुंचते थे। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त निलेश पालवे ने अधिक जानकारी साझा की। एक मोठी टोळी आपल्या पूर्ण शहरामध्ये सक्रिय होती। मनपातर्फे जे सीओसीचे कॅमेरे लावले गेलेले होते, त्याला बॅटरी बॅकअपसाठी ह्या बॅटऱ्या त्या ठिकाणी लावलेल्या असतात। तर अशा बॅटऱ्या चोरीच्या घटना बऱ्याच दिवसांपासून शहरामध्ये होत होत्या, परंतु अलीकडच्या काळात जेव्हा आपल्या सक्करदरा चौकात एका ठिकाणी अशी घटना घडली, त्यावेळेस आपल्या सक्करदरा पोलिसांच्या डीबी पथकाने त्यामध्ये खूप मेहनत घेऊन हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। तर अशा प्रकारचे सुमारे 30 गुन्हे आतापर्यंत पूर्ण शहरामध्ये घडलेले होते, ज्यामध्ये सुमारे 70 बॅटऱ्यांची चोरी झालेली होती। आणि यामध्ये आपण आतापर्यंत 5 आरोपी निष्पन्न केलेले आहेत आणि त्यांना अटक केलेली आहे। त्यामध्ये त्यांची मोडस अशी होती की रात्रीच्या वेळेस किंवा निर्जन ठिकाणच्या सीओसीच्या कॅमेऱ्यांच्या बॅटऱ्या त्याचा बॉक्स ओपन करून किंवा त्याचं लॉक तोडून ते चोरून न्यायचे आणि त्यानंतर त्याचं जे काही आतलं शिसा आणि इतर जे किमती मटेरियल असतं ते काढून ते वितळवायचे आणि मग ते पुन्हा रिसायकलिंगच्या अनुषंगाने कबाडीकडून ते पुन्हा कंपन्यांना विकलं जायचं। अशा प्रकारची ही मोडस होती। तर यामध्ये काही गुन्हे पण दाखल आहेत, काही ठिकाणी मिसिंग पण दाखल होत्या। तर ह्या संपूर्ण टोळीचा आपण त्या ठिकाणी शोध लावलेला आहे। पुलिस ने आरोपियों से करीब 3,30,000 का मुद्देमाल जप्त किया है। बता दें कि इस चीज से जुड़े करीब 11 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।